आज संपूर्ण भारत वर्ष में क्षेत्रवा 15 अगस्त 2023 को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सर्वेंद्र मिश्रा, माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का सांसद प्रतिनिधि, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। साथियों, आज ये जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, इसके लिए हमारे जो पूर्वज हैं, उनका बलिदान, उनका त्याग, उसी का परिणाम है कि आज हम आजाद देश के अंदर सांसें ले रहे हैं। जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमें सबको बताया, वो स्वतंत्रता सेनानी, वो हमारे वीर शहीद भगत सिंह जी रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी, चाहे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या तमाम क्रांतिकारी, तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, वीर सावरकर जी का योगदान हमारा देश कभी भूल नहीं सकता। आज ये आजादी तो हमें मिल गई, इस आजादी को हमें संजोए रखना है, ये जिम्मेदारी आज हम सबकी है। किस प्रकार से संजोए रखना है, आज देखा होगा आपने लाल किले की प्राचीर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने एक जिक्र किया, उन्होंने बताया हमें कि किस प्रकार से आज भाई भतीजे बात के रूप में, तुष्टिकरण के रूप में इस आजादी को तहस नहस करने का प्रयास हमारे देश के अंदर जारी है। हम लोगों को सोचना होगा कि किस प्रकार के इस आजादी को हम बचा सके, अपने देश को, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पांचवी अर्थव्यवस्था पर लेके गए हैं, इसको पहली अर्थव्यवस्था पर कैसे ले जाए, इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। उसके लिए देश की जो प्रतिभा है, जो देश की जो योग्यताएं हैं, उनको सामने आना होगा, ना कि सिर्फ इसलिए ये मेरा बेटा है, ये आगे आ जाएगा, ये मेरा भतीजा है, इसको अवसर मिल जाए, नहीं, अवसर उसी को मिलेगा जो उसके लिए योग्य होगा। जब इस देश की जो संपन्नता है, जो प्रभुता है, वो कहीं ना कहीं बरकरार हम लोग रख पाएंगे। आज एक समय ऐसा भी था जब अनाज के लिए हम अमेरिका के ऊपर आश्रित थे, हमने उनसे गेहूं मंगवाया, फजलों ने हमें लाल गेहूं, एक ऐसा गेहूं लिया था जिसको जानवर भी खाने को राजी नहीं थे। आज पूरी दुनिया के अंदर अनाज जो है, जो खाद्यान्न है, उसको भेजने का काम अगर कोई कर रहा है, वो हमारा देश भारत कर रहा है। ये इससे में गौरवान्वित होना चाहिए हमें। वो एक याद है कि एक बार एक बीमारी देश के अंदर आई थी और उसमें हमने कनाडा से एक वैक्सीन मंगवाई थी, उन्होंने बहुत आसान करके हमें वैक्सीन दी थी। आज हमारे इस भारतवर्ष ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे कुशल नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने या उनकी नेतृत्व ने, आज जब कोरोना काल के अंदर जब वैक्सीन आई, तो वो वैक्सीन इतनी पावरफुल वैक्सीन बनी कि वो भारत ही नहीं, दुनिया के 100 से ऊपर देशों के अंदर भारत ने वो वैक्सीन दी, उसमें कनाडा को भी दी और बहुत सारे देशों को दी, और जिससे लाखों नहीं कह सकते, करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम भारत ने किया। इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए अपने देश के ऊपर। आज हमारा देश जहाँ पहले हथियारों के लिए रूस अमेरिका जैसे देशों को निर्भर होता था, आज आत्मसुरक्षा के लिए आज हमारा देश खुद इस सुरक्षा क्षेत्र के अंदर भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा है। चंद्रयान पे पहुंचने का जो सपना, ये शायद कभी हमने पहले देखा भी नहीं होगा आजादी से पहले। आजादी के बाद तमाम पीढ़ियां हमारे नेतृत्व की इससे काम करती रही और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज चांद के ऊपर जो चंद्रयान 3rd जो मिशन है, ये भी भारत इसके अंदर सफलतापूर्वक कार्य अपना कर रहा है, जो कार्य जारी है। आज सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले हमारे देश के अंदर क्या था, अगर आदमी बीमार हो गया उसको दिल्ली एम्स लाना पड़ता था, व्यवस्थाएं नहीं होती थी। आज हमारी वर्तमान सरकार ने प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलवाने की व्यवस्था तो की, प्रत्येक राज्य के अंदर उसका अलग से अपना एक एम्स हो, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और कई राज्यों में एम्स हॉस्पिटल
खुल के भी तैयार हो गए और कई जगह इनका काम जारी है। आज इस कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, थोड़ा भूखा न सोए देश के अंदर, भुखमरी को खत्म कर दिया देश के अंदर। पहले की सरकारें नारा लगाती थी गरीबी हटाओ, लेकिन आज भुखमरी को हटा के दिखा दिया है हमारी सरकार ने। इसी प्रकार से एक तरफ तो भुखमरी हट गई, दूसरी तरफ जीरो बैलेंस वाले जो अकाउंट खुले उनसे जो भ्रष्टाचार कम हुआ। क्या था पहले जो सरकार उसे मदद देती थी जनता को, तो उसका 15 पैसा ही जनता को मिलता था, ऐसा स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी कहा 85% रास्ते में खत्म हो जाता था। लेकिन आज भ्रष्टाचार के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने ऐसी चोट की कि जो भी लाभ होता है, चाहे वो किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे वो ये मनरेगा वाला पैसा हो, या चाहे घर घर में शौचालय बनाने की जो व्यवस्था हो, या जिनके पास अपने मकान नहीं है, छत नहीं है, उनको प्रधानमंत्री योजना के तहत घर देने की व्यवस्था हो, आज उनका पैसा सीधे उस गरीब के अकाउंट के अंदर पैसा जाता है, जिससे कि भ्रष्टाचार जीरो हो गया है। ये काम भी हमारे देश ने करके दिखाया है। आज हमारे देश के अंदर कहते हैं कि किसी भी देश की सम्पन्नता वो कैसे पता चलती है, वो सम्पन्नता पता चलती है वहां की रेल व्यवस्था कैसी है, वहां की सड़क व्यवस्था कैसी है, वहां की जो जल के अंदर जो यातायात व्यवस्था वो कैसी है, और वहां पे बिजली की व्यवस्था कैसी है, और वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था मतलब जो क्राइम रेशो है वो क्या है। आज हमारे देश के अंदर क्राइम काफी हद तक कम हुआ है, उन लगाम लगी है इसके ऊपर, सड़कों पर जाल बिछ गया है 100 किलोमीटर से ऊपर प्रतिदिन सड़क भारत के अंदर हाईवे बन रहे हैं, जो एक दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। साथ में पानी के अंदर भी यातायात का काम हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, और बिजली की व्यवस्था भी हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, तो जिससे कि व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा प्रगति के चांस है और जो सामने नजर भी आ रहे हैं। क्योंकि जब व्यापार बढ़ेगा तो बेरोजगारी स्वतः कम हो जाएगी, क्योंकि उससे लोगों को जॉब मिलेंगी, काम करने के अवसर मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने बहुत अच्छे काम किए देश के लिए। आज गर्व से सीना चौड़ा होता है जब हम टेलीविजन पे न्यूज में देखते हैं कि किस प्रकार से जब प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे पे जाते हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए कई कई दिन लग जाते थे पहले हमारे प्रधानमंत्री को, जिनको एयरपोर्ट पे कपड़े उतार के भी चेकिंग करवानी पड़ती थी, आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है। ये सौभाग्य है हमारा, सीना हमारा चौड़ा हो जाता है गर्व से। कई देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब हमारे प्रधानमंत्री जी के पैर स्पर्श करते, उनके पैर छूते, उनके आशीर्वाद लेते, तो ऐसा लगता है कि ये सम्मान प्रधानमंत्री जी का नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। आज बड़ा अच्छा लगा जब लाल किले पर हमने देखा कि क्या कहते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे छात्र हैं। जब प्रधानमंत्री जी लाल किले पे आए, उसके पश्चात उन्होंने वहां जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उनके बीच में चले गए और उनके साथ बातचीत की और उनसे चर्चाएं की, उनसे हाथ मिलाया, उनका कुशल क्षेम पूछा। बड़ा अच्छा लगा किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाई। तो इससे लगता है कि जो हमारा आने वाला कल है वो कैसे संजो के रखना है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही साथ किस प्रकार से आज देश चहुंमुखी विकास कर रहा है और देश को पहली अर्थव्यवस्था पे जो 12वीं 13वीं 15वीं अर्थव्यवस्था थी उसको 5वीं पर लाए, अब धीरे धीरे पहली अर्थव्यवस्था में भारत कैसे पहुंचे, इसमें हमें 140 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला समय भारत का होगा और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी हम विकसित राष्ट्रों में हैं, लेकिन आने वाले समय हम पहली कतार में खड़े होंगे, हम विकासशील देश के श्रेणी में खड़े होंगे। वो दिन दूर नहीं है कि हमारे 140 करोड़ देशवासी उनका सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा, जिस दिन हम दुनिया की पहली कतार के अंदर खड़े होंगे। तो मेरा यही सबसे निवेदन है, सभी देशवासियों से निवेदन है कि
किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद सबके आप सबके सहयोग से, आप उसी प्रकार का अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के सिर पे बनाए रखे, उनको आशीर्वाद देते रहे, जिससे आने वाले समय में भी देश को वो और आगे प्रगति की ओर ले जा सके और हम हर सेक्टर के अंदर हर क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बन सके, हमें किसी अन्य देश से हम पीछे न रह सके। ये आने वाला कल हमारे बच्चों के लिए चाहिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। एक बार पुनः आप सबको मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।